ये पंडित जी बताए ना ब्याह का वही भाग तीन पार्ट थ्री और दूसरी छुमंतर, ये दो फिल्में हैं जो एक अलग सी कहानी। पंडित जी पार्ट वन जितना एक धमाल था वो पार्ट टू में मैं वो धमाल नहीं दे पाया, वो मैं पछताया भी बहुत। वो गलती मैं नहीं करते तो तब हम संतोष मिश्रा को लिए, कैसन पीवा के हमारे साथ देवरा बड़ा, तो ये मसाला और फ्रंट बेंचर का जो एक आनंद देने का काम ये बड़े अच्छे से जानते हैं। इन्होंने कहानी सुनाई तो इसमें एक और हीरो भी आएंगे पंडित जी पार्ट थ्री में, हीरो का नाम अभी हम नहीं लेंगे लेकिन जब सब वो आ जाएँ तो उसके बाद इन्हों बाकायदा हम लोग एक और दो हीरोइन होंगी पंडित जी पार्ट थ्री में, और दो हीरो हैं और एक है छुमंतर जो कि एक कमाल की कहानी ये लेके आए हैं। इंटरटेनिंग रॉबरी है, मतलब रॉबरी में बड़ा इंटरटेनमेंट होगा। आठ लोग रॉबरी प्लान करते हैं, इसमें आठ मुख्य किरदार हैं, तो एक कमाल का टर्न एंड ट्विस्ट लेके बहुत ही अंग्रेज़ी को बिहारी और यूपी में डाला हुआ है, अंग्रेज़ी फिल्म का कुछ जस्चर है क्योंकि अब ओवरसीज़ मार्केट भी खुल गया है तो हम लोगों को ओवरसीज़ को भी देखना, थाईलैंड, फिजी, वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस, अब वो मार्केट को भी जहन में रखते हुए हमारी सिनेमा का ग्रेडिंग थोड़ा ऊपर होगा। तो ये सारी बातें इन लोगों की हुई। उदय भगत चूँकि पीआर रहे हैं हमारे, आप लोग जानते हैं इतने सालों से, इन्होंने इच्छा जिताई कि मैं क्यों, मैंने क्या पाप किया, मैं भी प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। तो हम बोले नहीं कोई बात नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम प्रोड्यूसर बन सकते हो। तो ये आ गए प्रोड्यूसर के रूप, तो इन्होंने बोला मैंने क्या पाप किया, मैं क्यों ना प्रोड्यूसर बनूँ। तो सब लोग जो इच्छा जता रहे थे तो बोला ठीक है, तो तुम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, तुम लोग प्रोड्यूसर बन जाओ। तो ये दोनों प्रोड्यूसर बन गए और फिर मधुकर आनंद जी बगल में खड़े हैं ये सारे ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक के साथ, ये इसमें जुड़ गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी, अमित झा जी हैं, हम लोग अब मदद कर रहे हैं क्रिएटिव तरीके से। अब इन लोगों को देखते हैं कि इन लोगों ने कोई पाप नहीं किया, अभी प्रोड्यूसर अच्छे साबित होते हैं कि बुरे वो तो वक्त ही बताएगा। पाप तो मधुकर जी ने भी कोई नहीं किया, नहीं कोई प्रोड्यूसर नहीं बने। ये मां इच्छा नहीं जता है, ये दोनों क्या बच्चों की तरह लौट गए एकदम आगे हमारी ऑफिस में। हम लेट नहीं जाता आदमी कि लेट के कि बनना ही है प्रोड्यूसर, तब दोनों लेट गए तो मैं कुछ कर नहीं सका। मैं देखा दोनों लेट के नाच रहे हैं कि बनना है प्रोड्यूसर ही। पूछ लेता हूँ इतनी क्या इच्छा थी उनको, पहले संतोष जी चलिए। अच्छा आपकी पूछता हूँ, डायरेक्टर बनने में खुश थे, प्रोड्यूसर बनने के लिए इतनी इच्छा क्या? क्योंकि प्रोड्यूसर कमाता ज़्यादा है ना। तो राइटिंग में मेरे पहले हीरो रही सर, जिनकी वजह से राइटर बनने का आशीर्वाद से कि आप एक दिन बहुत बड़े राइटर बनोगे। जब डायरेक्टर बना वो भी हीरो रवि सर ही, फिर जब मन में इच्छा आया कि भाई प्रोड्यूसर बनूँ तो राइटर डायरेक्टर यही बनाए, तो सीधा प्रोड्यूसर बनने के लिए इन्हीं के पास आया और फिर से ये प्रोड्यूसर वाला शुरुआत हो रहा है। अच्छा, जब प्रोड्यूसर आप खुद हो गए तो आपको लगता है आपको ज़्यादा लिबर्टी मिल पाएगी, ज़्यादा फ्रीडम मिल पाएगी? बेशक बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि एक डायरेक्टर के हाथ में अगर डायरेक्टर खुद प्रोड्यूसर है तो जो सोच रहा है, जो विजन देख रहा है, उसमें कहीं भी कोताही नहीं होती, पूरा खर्च करता है और बहुत अच्छे ढंग से सिनेमा को बनाता है। अच्छा, जरा फिल्मों के बारे में रवि जी ने बताया, ये दोनों आप डायरेक्ट करेंगे? हाँ। क्या प्लान्स चल रहे हैं उनको लेकर डायरेक्ट करने? जैसे रवि सर बताएगी, पंडित जी बताएगी ना, ब्याह थ्री में एक और हीरो होंगे तो उनसे जब बातचीत हो जाएगी तो डेट के हिसाब से वो सबसे पहले हम लोग छुमंतर करेंगे जिसमें रवि सर और बाकी आठ और हीरो जो होंगे है ना उनसे ही बातचीत हो जाएगी, तो उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। रवि जी, उड़न छू जैसी फिल्म आपने की थी लूट, जिसमें कि कई लोग रॉबरी करते हैं थाईलैंड में जाते हैं और उसके बाद पकड़े जाते हैं, तो फिर उसमें वो हिंदी फिल्म थी गोविंदा जी आपके साथ है। अब ये भोजपुरी फिल्म है। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन ये हाँ वो फिल्में की और उसके बाद मैंने पंडित जी टू में भी एक रॉबरी का खेल था। इन्होंने जो कहानी सुनाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहानी आप थोड़ा सा रेड पे भी ले सकते हैं, ये कहानी आप थोड़ा वो अक्षय अजय देवगन मनोज बाजपेयी और अजय देवगन थे स्पेशल 26, ये ऐसा कुछ टर्न और ट्विस्ट इसमें बड़ा मज़ेदार है और बहुत भोजपुरियत है और इमोशन है इसमें। बेस्ट पार्ट है कि एक इमोशन है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रॉबरी होती है, एक रीज़न है उस रॉबरी का, अब वो उससे लगेगा कि ये गलत चीज़ गलत संदेशा भी हीरो हमारा नहीं पहुंचा रहा है कि सब लोग जाके चोरी करो, एक बहुत बड़ा कारण है और मजबूरन फिर उसको रॉबरी करनी पड़ती है। उसकी प्लानिंग ही इस फिल्म का सब आत्मा है, जो उस रॉबरी की प्लानिंग है। आठ लोग और इसमें आठ नायक, इसमें मैं ही नायक नहीं हूँ, इसमें आठ नायक, एट हीरोज आ गए और सब लोग इक्वल हैं। सो ये नहीं कि अपने स्वार्थ में हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं या
प्रोड्यूस कर रहे हैं या साथ में इन लोगों के, इसमें कि वो कहानी हमको बड़ी जैसी, तो इसमें आठ नायक है वो इसका ट्विस्ट है। हीरोइंस का भी काफ़ी कमाल है, जैसे कि आप डिज़ाइन में देख ही रहे होंगे कि बाहर कहाँ गई थी, हाँ बाहर वो हीरोइन उसमें गन्स हैं और बहुत सारे ड्रामे हैं इसमें, बहुत ही बॉन्ड टाइप इसका होगा। रवि किशन प्रोडक्शन की जो फिल्में बनी है हालिया उसमें सोशल मैसेज होता है, इन दोनों फिल्मों में क्या मैसेज होगा? इसमें इमोशन होगा कि एक 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 बाप एक पिता हार जाता है, अपनी छोटी सी बच्ची को एक वादा करता है, वो एक मैसेज है। और पंडित जी पार्ट थ्री पूरा मैं आनंद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत हैवी डोज अभी सन की दरोगा दी बलात्कार मुक्त पे, अब मैं थोड़ा सा एक रिलीफ भी देना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरटेन करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं एक बहुत ही बड़ा बम बनाया हूँ जिसका नाम है रगड़ता बिहार, जिसमें हाँ वो बहुत ख़तरनाक माल है वो, और वो बम ऐसा है कि आँखें खोल देगा सरकार की, वहाँ की राज्य सरकार की और लोकल की, कि क्या बात है कि बिहार अभी इतना पीछे चला गया अचानक, क्या बात है कि इतना क्राइम बढ़ गया, क्या बात है कि रोज़ 6-7 हत्याएं हो रही हैं, और उस पर लेके हमने एक फिल्म अभी रची है रगड़। वहाँ पे आपकी अपनी सरकार है, उसके खिलाफ भी फिल्में आप बना देते हैं, ये कमाल है। नहीं बात वो नहीं, बात है कि वहाँ पर प्रशासन के लिए हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, गलत अगर कोई भी है तो उसको हम ज़रूर मैसेज देंगे, और डेफिनेटली देना मेरा काम है, और क्योंकि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है, आईना है, वहाँ पे स्वार्थी या हम वो नहीं हो सकते, थोड़ा जगाना तो सबको पड़ेगा। सन की दरोगा से भी हमने एक बलात्कार का एक पूरा एक मुद्दा उठाया, जिसको आज विदेश में ये फिल्म लग रही है, जो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है कि भोजपुरी अब विदेशों में लगने लगी और डिमांड होने लगी है अब विदेशों में भी हमारी फिल्मों की, तो ये अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। डीएम साहब ने रोक दिया था, जाने नहीं दिया था, अब उसका गुस्सा रवि किशन फिल्म बना के निकालना चाहते हैं। बहुत सारे दर्द हैं मेरे अंदर, और उसमें मुजफ्फरपुर भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें दारूबंदी भी है, उसमें मैंने स्कूल के बच्चे को बस्ता में दारू लेते जाते हुए भी देखा है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, थोड़ा सा संदेशा पहुंचाना है और पहुंचाएंगे। मैं उदय जी से सवाल कर लेता हूं, उदय जी आप जब आप पैसे लेते थे सिक्किम के हालों के दोनों ने पैसे नहीं मिल रहा था, और जो आपके लिए एक्टिंग मिल रही थी, तो ये बदलाव कैसा महसूस हो रहा था नया? अगर हम प्रोड्यूसर को स्पेल करें PRODUCER, हर प्रोड्यूस शुरुआत PRO से होती है, PRO से हो ही जाता है, सोचे चलो क्यों नहीं प्रोड्यूस किया जाए, और पहले मेरी पहली शुरुआत एज ए PRO इनके साथ हुई थी, और ये शुरुआत भी इनके साथ ही है। अच्छा, प्रोड्यूसर भी इनके साथ ही है। अब आगे क्या करेंगे, और भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और क्या? रवि सर, ये भी पूछना है, आप कहते हैं मूवमेंट के बारे में, बड़े बड़े एक्टर्स नाना पाटेकर, विकास बहल, आलोक नाथ जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना असुरक्षित माहौल बनता जा रहा है, पहले से असुरक्षित है फिल्म इंडस्ट्री और असुरक्षित बन रहा है? देखिए फिल्म इंडस्ट्री नहीं, अगर आप मी टू मूवमेंट में देख रहे हैं तो अभी सबका नाम आ रहा है इसमें, राजनीति पॉलिटिक्स से भी नाम आ रहा है, अभी बहुत सारे नाम आएंगे, क्योंकि मेरी भी बेटी है घर में, तो ये मूवी टू मूवमेंट एक बहुत बड़ा एक बोलते ना एक सफाई अभियान शुरू हो गया है, कि अब कोई भी पुरुष किसी भी लड़की का गलत फ़ायदा उठाने के पहले 100 बार सोचेगा कि मैं सिनेमा में काम देता हूँ या तुम कॉफ़ी पे मिलो, रात को कॉफ़ी भी पिलाने जो मिलते हैं, रात को कॉफ़ी पिलाते हैं, वो सारे लोग अब सचेत हो जाएंगे, अब सब लोग ऐसा हाथ बांध करके चलेंगे। अब है क्या कि अब मुझे लगता है कि पुरुष लोग घर से रात को निकलना बंद कर देंगे, अब पब में जाना बंद कर देंगे, अब ये एक जरा एक कमाल का एक मोमेंट जो आया है, जहाँ पे पुरुष को बहुत ही झंझोड़ दिया, सब लोग याद कर रहे हैं अपने पास्ट में कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की थी, तो ये ज़रूरी था। देखो ना कि सिर्फ तनुश्री दत्ता या कोई लड़की, लेकिन कोई भी किसी भी लड़की के साथ अत्याचार, बलात्कार या दुराचार या अपमान इस देश में नहीं होना चाहिए, और ये देश जाग गया है, औरतें जाग गई हैं और बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं, और उनका सबका सम्मान है। रवि जी, शोषण का शिकार सिर्फ महिलाएं होती हैं इंडस्ट्री में, ये अधूरा सच है, कई बार पुरुष भी शोषण के शिकार होते हैं, आप जानते हैं। ऑफ कोर्स यस, शोषण का शिकार पुरुष भी होते हैं और काफ़ी हद तक होते हैं। तो अभी हैदर काजमी साहब अरेस्ट हुए हैं, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, रेप के चार्जेस में हैदर काजमी को वर्सोवा पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनकी फिल्म की हीरोइन के लिए जिसके उन्होंने रेप किया है, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, बट आपका रिएक्ट चाहता हूँ। आप लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री से एक आदमी अरेस्ट होता है, एक एक्टर प्रोड्यूसर अरेस्ट होता है, रवि किशन की पहली फिल्म है अच्छा
अरेस्ट हुए तो उन्होंने कुछ किया होगा तब अरेस्ट हुए, बहुत गलत हुआ। मतलब कोई भी गलत कर रहा है तो उसको डेफिनेटली इसको सज़ा मिलनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जानना चाहिए कि डेफिनेटली उसने कुछ गलत किया है, कुछ पाप किया है, किसी का अपमान किया है, किसी का किसी के साथ झूठे वादे किए हैं, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कोई भी हो, वो मैं क्यों नहीं कोई भी हो, मेरे पिता क्यों नहीं कोई भी हो, इस देश में आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो। और अगर ऐसा किसी ने भी किया हो, भोजपुरी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो या अंग्रेजी फिल्म का प्रोड्यूसर हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा लगा जैसे रेवोल्यूशन में संजय दरोगा मिल रहा था, मोदी जी से पूछ रहा है। सर, तो आपकी शुभकामनाएं जी, सभी देखने वालों को राजेंद्र मोदी का प्यार भरा नमस्कार। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी को कि उनकी दो दो फिल्में एक साथ शुरू हो रही है। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही रवि किशन जी से हुई है, तो मैं तो कभी इनसे कुछ पूछता भी नहीं, इनका तो हिस्सा हमेशा रहा हूँ। सन की दरोगा भी जब बाद में आई तो चाहे एक सीन मेरा शूट हुआ, लेकिन अभी तक रवि किशन बैनर की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें राजन मोदी ना हो, तो ऑब्वियसली इसमें भी रहेगा क्योंकि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। लोग बोलते हैं गॉडफादर या जो भी जैसा भी, तो मेरे रवि किशन जी हैं। जी जी, सबसे पहले नमस्कार सारे लोगों को। बस काम करना है, बढ़िया से बढ़िया गाना बनाना है। और आपने समझा जी जी, प्रिपरेशन आपको समझ में आई कि कैसा म्यूजिक होना चाहिए? नहीं, डेली 200-250 गाने बन रहे हैं तो उनसे थोड़ा हट के ही होना चाहिए। रोज़ जो एल्बम में गाने छप रहे हैं जिस टाइप का, थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, वो आदमी कर रहा है। और रवि जी तो बड़ा शौकीन आदमी है गाने के, अच्छे अच्छे गाने सेलेक्ट करते हैं, होमवर्क अपना रहेगा अच्छा। और भोजपुरी में हमारे यहाँ ट्रेंड यही व्यक्ति हैं जो बाकायदा शास्त्रीय संगीत के निपुण होके ये संगीत देते हैं, और इनका अभी तक बेस्ट निकाला ही नहीं गया, तो ये भी अब ज़रूरी है कि हम मधुकर जी का बेस्ट निकालें उनसे। और ऐसी कुछ फिल्में हैं हमारे पास, अच्छी अच्छी कहानियाँ, एक फिल्म तेरसा लेके भी आ रहे हैं हम, अभी उसके बारे में आज के नहीं बोलेंगे, वो एक अलग से आप आपको हम बहुत बड़ा एक बायोपिक बनाने जा रहे हैं, बस इतना हम आपको छोड़ देंगे। डिटेल उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रॉपरली लॉन्च के साथ, बट एक अभी रवि किशन प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ बायोपिक बनाने जाएगा, और उसके डायरेक्टर से मैं मिलवा ही देता हूँ अमित झा, ये हम उसके राइटर डायरेक्टर हैं। ये बायोपिक पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, उसका नाम है तेरसा, एक बिहार की एक व्यक्ति की कहानी है। डिटेल हम लोग एक साथ शेयर करेंगे, आज वो दिन ठीक नहीं क्योंकि आज ये दो फिल्मों की बात करें तो ठीक है, तीसरा उसमें मर्ज नहीं करेंगे। हिंदी में बनाएंगे भोजपुरी में बनाएंगे? उसकी पटनैया हिंदी होगी, जो भाषा होती है जैसे प्रकाश झा जी की फिल्म, दोनों होगा भाषा। अब वो स्टूडियो चाह रहा है कि हम लोग हिंदी में बनाएं। वेरी हर्ट, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ कि किसी एक ने बलात्कार किया या किसी एक व्यक्ति ने किया तो पूरे बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग उसको उसकी उसका अंजाम, कई सालों से लोग वहाँ जी खा रहे थे, उनका मकान था, उनका घर था, उनकी ज़मीन थी, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उनको मार के वहाँ से भगाया जाना, ये चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। किसी एक व्यक्ति ने अगर कुछ गलत किया है तो पूरे बिहार यूपी को उसकी सज़ा क्यों मिलती है हमेशा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। अब इलाहाबाद में मैंने पोस्टर देखे कि वहाँ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस वो लगा रहे हैं कि हम यहाँ से गुजराती और मराठियों को भगाएंगे, ये गलत बात है। ये देश सबका है, यहाँ पे हर जात का व्यक्ति, हर प्रांत का व्यक्ति कहीं पर भी जाके रह सकता है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान हमारा आज़ाद, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, ये सरकार चाहती है मिलजुल के रहें। कोई कुछ लोकल कुछ नेता, चंद नेता, अपोजिशन के कुछ नेता, कुछ लोग अपने स्वार्थ में, चुनाव आ रहा है तो उसके लिए ये गलत है कि बिहार यूपी वालों को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के हमेशा पीटा जाए। कितना फॉलो किया आपने उनकी फिल्मों के और कितने मेरे फैन हैं? रवि किशन जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरी उनको बहुत अच्छी फेदर देख लो, एक नाम कमा दिया, दो नाम कमा दिया, और किशन बहुत खुशी है रवि किशन को लैंड में, और ये खुशी है मेरे लिए, बहुत ही प्यारे नाम
हमेशा तारीफ जिंदगी तू अद्भुत पाड़ तू अद्भुत पाड़। मैंने मनोज तिवारी से कहा कि भैया रवि जी मुझे अद्भुत कह रहे थे, इनके चक्कर में मत पड़ना, आपको अद्भुत नहीं आता, अद्भुत कह रहे हैं। बहुत ही प्यारे इंसान है, उनके जैसे दो नाम है, जैसे अजीत दो आज फिल्म में भी दो लॉन्च हुई है, फिर तरह से मेरे मेरे लिए दो नंबर के दो नंबर मतलब ट्वेल्थ से मजाक कर रहा हूँ, दो नंबर मतलब डबल था मुझे भोजपुरी फिल्म बहुत पसंद है, भोजपुरी की हीरो बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे भोजपुरी की हीरोइन पसंद है। भोजपुरी की हीरोइन जो होती है भरोसे के लायक होती है, भोजपुरी की हीरोइन होती है वो भरोसे के लायक होती है। किस तरह से हिंदी की हीरोइन हिंदी की जो हीरोइन भोजपुरी की हीरोइन को मीटू का मतलब नहीं पता। सुनील भाई आपका भी कोई मीटू मूवमेंट है? हाँ मैंने कई लड़कियों से कहा है तो उन्होंने कहा मीट हूँ। कभी डर वर नहीं लगता है? एक मीटू आदमी को चिड़चिड़ा कर देता है। एक मीटू पहले नाना गया, फिर आलोक गया, कैलाश खेर गया, ये गया, वो गया, सब गया, एक मीटू। तो मीटू जो है वो ऐसा घबराहट वाला शब्द हो गया कि माँ अपनी बेटी से कहती कि बेटी अगर रस्ते में कोई मंचला तुम्हें छेड़े, आई लव यू कहे, तो उसको चप्पल निकाल के ये मत कहना पीटू पीटू, सीधा कहना मीटू। माँ भी तो सामने नहीं आएगा, ये इतना ज़्यादा हो गया है। मैंने रतन वाला से पूछा कि रतन वाला साहब आप बताइए कि मीटू का मतलब वो देखो एक मर्द का दो बार फायदा उठाना, इसे कहते हैं। लेकिन मीटू जो है अच्छा मोमेंट है, महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, महिलाएं अपने विरुद्ध जो लोग गलत कर रहे हैं, अगर सही है सच है हमें महिलाओं का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर गड़बड़ है तो हमें पुरुषों का साथ देना चाहिए। आपको नहीं लगता जमाना थोड़ा सा बदल गया है? अगर आज गब्बर सिंह साहब होते उनके ऊपर कोई मीटू मूवमेंट हो जाता तो गब्बर सिंह साहब पूछते लड़की से कितने आदमी। आजकल आप राजनीतिक टिप्पणियाँ कुछ कम कर रहे हैं, नेताओं को आपने छोड़ दिया है, कुछ खास दूरी या कहीं से धमकी उनकी मिली है? नेताओं को मैं इसलिए छोड़ दिया कि नेता पहले उनकी बातें हंसाती थी, अब उनकी बातें लोगों को घुमाती है, डराती है, चिड़चिड़ा कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि नेताओं की बात छोड़ो, अभिनेताओं की बात करो। तो अभिनेताओं में मनोज रवि किशन जी है जिनकी मैं बातें करता हूँ, और नेताओं में मनोज तिवारी उनकी बात करता हूँ, तो जो सामने आ जाए वही हमारे विनोद को अन्नदाता है। बनारस में भैया ने जो थिएटर बनाया है ना, ये इसे कहते हैं भोजपुरी से प्यार। भोजपुरी के लिए मल्टीप्लेक्स अभी तक था नहीं, भोजपुरी में अभी तक थिएटर की बड़ी प्रॉब्लम होती थी बड़े शहरों में, खासकर मुंबई बनारस। लेकिन रवि भैया का प्रणाम है, रवि भैया को प्रणाम है कि उन्होंने भोजपुरी से अपना प्यार दिखाया और पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर बनाया बनारस में, और वो भी भोजपुरी के लिए। मैं समझता हूँ कि भैया को प्रणाम है, भैया भोजपुरी के लिए और कुछ और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। डिस्कवरी चैनल को भी भोजपुरी में ला रहे हैं, उसका नाम होगा भोजपुरी। लोग एक ही नाम कमाते हैं, दो नाम कमाए रवि किशन, ये मी टू। रवि जी, जो मल्टीप्लेक्सेस की चेन शुरू हो रही है, जरा उसके बारे में बताएं। ये चूंकि एजुकेशनल भी रहेगा, ये जहाँ पर ये बताया जाएगा बच्चों को फिल्म शुरू होने के पहले कि चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, किसानों को बताया जाएगा कि फसल में बीमारी हो तो इस तरह भी उगाया जाता है, और ये बताया जाएगा कि भारत सरकार की नीतियाँ क्या आपके गांव तक पहुँची जो सरकार ने पैसा दिया है या राज्य सरकार ने। तो अपने वो सब लोग फिल्म देखते हुए ये क्लिपिंग हमारी आवाज़ में देख लेंगे और अपने प्रधान और प्रमुख को और अपने सरपंच को पूछेंगे कि भैया ये सारी नीतियाँ तो भैया बताए सिनेमा हॉल में, ये हम लोग तक पहुँची क्यों? ये हम लोग के चापाकल या तो शौचालय का पैसा या शौचालय या सड़क हम लोग को क्लियर हो गई या लाइट सोलार लाइट के खंभे हम लोग को बढ़ गए, हमारे तक लगे क्यों नहीं हमारे गांव? तो ये सारी सोच के साथ सिनेमा दिखाऊंगा 75 रुपये में, चिल्ड एयर कंडीशन और एक पॉपकॉर्न फ्री। हाँ तो 75 रुपये में आपके पास जो आप यहाँ पर मल्टीप्लेक्स में बैठते हैं वैसी सीटें हैं, और आप लेट के देखिए एकदम, और चिल्ड एसी होगा,
और आप वहाँ पॉपकॉर्न खाइए, अपनी माँ बहन बिटिया लोग को सम्मान से ले जाइए और उसको तो आनंद लीजिए गर्मी में या जैसे भी। लेकिन ये सिर्फ हम देहात में लगा जी, शहर में नहीं। मैं मतलब शहर से हर 20 किलोमीटर दूर जहाँ देहात, बिकॉज आइडिया इज कि उन्हों को सारी सुविधाएं देनी, उनको एजुकेट करना जीवन के प्रति, दहेज प्रथा के प्रति, बेटी बचाओ बेटी, बहुत सारे मेरे थॉट्स जो मेरे मन में इस सिनेमा के द्वारा, सिनेमा भी दिखाऊंगा और ये चीज़ें थोड़ी पढ़ा भी दूंगा पर्सनली पर्दे पर। आ कितने थिएटर्स खुलेंगे, कहाँ कहाँ खुलेंगे? 500 थिएटर्स पूरा यूपी बिहार से पोस्ट है। हाँ, एवरी मंथ 10 थिएटर्स। तो अभी तो एक पिंडरा में खोल दिए जो चल रहा है, सन की दरोगा से ओपनिंग की। सो एवरीवेयर मतलब ये, और फिर बाद में बिहार में घुसेंगे, फिर हम झारखंड जाएंगे, फिर जहाँ जहाँ हमारे को बुलावा आएगा, जहाँ पर जहाँ कस्बा है 75 सीट ही हमको बनानी, इससे ज़्यादा है उसका मैजिक ही हुआ कि 75 सीट। सर 75 रुपये में कैसे पॉसिबल होता है, इतने कम कॉस्ट में आप कैसे एंटरटेनमेंट मुहैया करेंगे? बिकॉज ये हम पूरा, हमारे साथ पूरा एक पूरी टीम है, हम लोगों ने पूरी प्लानिंग, ज़मीन आपकी रहेगी, छत बना के आप दोगे, दो एयर कंडीशन आप लगाओगे, बाकी हम लगा पूरा कॉस्ट। पहले तो इसको भी नो कॉस्ट में हम लोग चल रहे हैं, आइडिया है कि नो कॉस्ट में बाहर जो समोसे की दुकान या जो बाकी दुकानें लगेंगी वो कमाई होगी, पार्किंग का होगा, जो जो छोटी छोटी दुकानें उसके अगल बगल लगेंगी वो कमाई होगी, ये इंटरटेनमेंट का साथ है, समझ रहे हो? तो ज़्यादा लालच नहीं करते हुए एक एक रिवोल्यूशन भी लाना है, मन की बात भी कहनी है और बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान भी लेना है, क्योंकि हम लोग को जौनपुर से सिनेमा देखने के लिए बनारस 1-1.5 घंटा जाना पड़ता था, तो जौनपुर बीच में फंसे, तो ऐसी बहुत सारी, ये मेरी सब पर्सनल पीड़ाएँ हैं जो निकाल रहा हूँ। रवि जी, जैसे मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ गोरखपुर के आसपास, अगर मुझे वहाँ रेपुटेशन का मल्टीप्लेक्स खोलना हो तो मैं कैसे खोलूँगा? कुछ नहीं, आपको आपको 1,500 स्क्वायर फीट आपकी खुद की ज़मीन पे छत बना के देना, बाकी मेरे लोग आके सामान फिट करके चले जाएंगे, 35 दिन में मैं आपका सिनेमा हॉल शुरू। क्या उसके लिए मुझे कुछ पैसे देने होंगे? कुछ नहीं। और अगर मैं, आपको खाली छत बनानी हो, आपको अपनी ज़मीन देनी हो, आप मालिक हैं, आप खुद ही इस पर बैठ के आनंद। तो ये सबके लिए ओपन होगा कोई भी का? एवरी। कैसे संपर्क किया जाए फिर? ऑफ कैमरा में आपको। चलिए, डिवाइन काम है। थैंक यू। जो है दो दो फिल्में एक साथ मुहूर्त हुआ नदी जी के प्रोडक्शन हाउस से, और संजोर झारखंड में भी डायरेक्टर एक साथ खड़े हैं और फिल्में भी दे रहे हैं जी। छोड़ दिया लाइट भी, बस प्रिय दर्शक के मकर आनंद के साथ तीन यार एक कैमरामैन जब भी जो हमारे भाई को प्यार रहा, दर्शन बहुत अच्छे, फिल्में भी बहुत अच्छे आ गए, इसका है उसने हटा दिया और प्याज के कैमरामैन हटा दिया, अच्छा अपने बजट काम करने अच्छा कैमरामैन जो जरूरी है, लोग जिम्मेवार हैं, वचनबद्ध हैं, बढ़िया बढ़िया काम हम लोग करें। और पूछिए आपका क्या सवाल है? तो म्यूजिक डायरेक्टर में तो किस तरह से म्यूजिक होगा, गीत संगीत में कितना अलग होगा और क्या कंपटीशन होगा कि कितना किसका ना ना म्यूजिक? हम तो अपना काम करते हैं, अपना काम हम लोग अपना अपना काम शिद्दत से ईमानदारी से करते हैं, बाकी रवि जी बहुत अच्छी सोच वाले इंसान हैं, अपने लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया है आगे बढ़ाने के लिए, गाँव गाँव हिंदी प्ले और भी भोजपुरी के लिए स्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम संगीत के माध्यम से स्थान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अश्लीलता हटाओ भोजपुरी में अच्छे ऑडियंस को जोड़े, इसके लिए भी हमने एक अपना चैनल भी बनाया है, राम जी कुश्ती आगे नीचे बढ़ा दो चैनल भी हमने बनाया, तो मैं चाहूँगा कि भोजपुरी बदलाव आवे और इस टाइप के लोग जो हैं रवि जी जैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं वो सामने आए और हम लोग कुछ अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएँ। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? बंदे मेरे कौन है हैदर कौन है? पहले भी भैया के साथ में काम किया भाई कर ना घुमा कर माइक कर आगे गर्मी आया वो तो प्रेस करके रखा हुआ है
मुझे बुलाया गया है, जरूरत है। हालांकि मेरी जिंदगी के कहते हैं ऑन स्क्रीन पहले गुरु रवि किशन जी है, क्योंकि मैं उनके साथ हेल इंस्पेक्टर किया था। हेल इंस्पेक्टर में वो मेन इंस्पेक्टर थे, सेकंड इंस्पेक्टर था, और उसके बाद हम लोगों ने भोजपुरी में काफ़ी फिल्में की साथ में, और सारी सुपर हिट है, पांडा विदाई वगैरह। अच्छा, एक बार उन्होंने फिर मुझे करवाने के लिए संतोष मिश्रा जी, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर बने, तब भी उन्होंने मुझे मौका दिया। प्रोड्यूसर बन रहे हैं, वो मुझे मौका दे रहे हैं, और वो मेरी ढेर सारी बधाइयाँ हैं रवि जी को, मराठी को। उदय भगत जी जो हमारे इंडस्ट्री के पी आर ओ हैं, वो इस बार प्रोड्यूसर बने हैं, तो मेरी सारी ये वाली स्पेशली हिट हो, आगे बनती है।